तो फर्स्ट चीज है ये, मेरा दाढ़ी भी बड़ा हो गया है। एंड दिस इज काला कोरियन, ब्लैक कोरियन अजीत शर्मा, नर्वस वाला सकर। तो नाउ वी आर गोइंग टू एकेडमी, वहाँ जाके इसको हम खोल के दिखाएंगे। दिस इज द फोर्थ पैकेज ऑफ HRX। अभी तक हम तीन पैकेज बेच चुका है। बहुत काला हो गया, क्या बोलेगा। रिसेंटली हम स्टार्ट किया है कि हम डबल ग्रिप यूज़ करने के लिए, तो अभी तक मेरा बेट कितना है मेरा पता नहीं एग्जैक्टली। 6-7 बेट तो है, बट उसमें से मेरा जो गेम प्ले बेट है वो 3-4 है। तो उसमें हम पूरा डबल ग्रिप डालेगा बल्कि ऐसा सोच रहा है, तो 2 बेट में लग चुका है, तो ये तीसरा बाकी और एक बेट है, उसमें भी बाद में डाल के देखेगा। ये एक नया चीज़ है जो हम सोचता है कि हमको ट्राई करना चाहिए, क्या पता है इससे मेरा गेम और भी इम्प्रूव होगा। एंड ग्रिप के बारे में बोलेगा तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है ऐसे ही आपको ग्रिप को पकड़ना चाहिए। कोई पतला हैंडल पकड़ता है तो कोई थोड़ा मोटा हैंडल, तो मेरे लिए ग्रिप थोड़ा मोटा होने से थोड़ा मज़ा आता है। तो अभी यह अजीत का घर है, उसके बाद यहाँ से अभी जाएगा एकेडमी में। थोड़ा आज नॉकिंग करेगा, बहुत दिन हो गया नॉकिंग नहीं किया है, पूरा फिटनेस में ही ध्यान दे रहा है, क्योंकि रणजी में जैसा भी इस बार योयो टेस्ट और वापस लेगा, और लास्ट टाइम का मेरा पूरा योयो टेस्ट पूरा ख़राब गया है। हमेशा ऐसा फील होता है कि इस बार अच्छा होगा, लेकिन कंप्लेन नहीं है, बट हमको ऐसा फील होता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं। जस्ट वो आदमी देखने का जो मज़ा नहीं होता है, तो अभी तक इतना प्रोफेशनल वे में नहीं हुआ है, तो इस बार आई थिंक रणजी में प्रोफेशनल वे में होगा, तो उसमें देख लेगा। तो अभी एकेडमी पहुंच के मेरा HRX लुक क्या भेजा उसको भी देखेगा, उसके बाद ये डबल ग्रिप को कैसे लगाता है उसको भी देखेगा। तखर भैया से हम ग्रिपर को उस दिन नहीं बता के लेके आए, बट इनडायरेक्टली तो पता चल गया होगा, क्योंकि हम उसको उस दिन बोल करके बोला था ग्रिपर लाओ, उसके बाद हम ला के ग्रिप को डाल के उसके बाद फिर इमरजेंसी में आ गया था मैच खत्म होने के साथ साथ, तो हम डायरेक्ट ग्रिपर को भी लेके आए। तो आज आपको हम दिखाएगा कि ग्रिपर कैसे लगाता है। आया वो थक गया, तो अभी इसको खोलता है, तो स्टैंड लेके नहीं आया। और ये जो हम टी शर्ट पहना है ये NCAA का है, जब हम अंडर 19 जब खेला था उसमें हम हाईस्ट रन मारा था अरुणाचल से, 89 रन मारा था अगेंस्ट छत्तीसगढ़, उसका बाद मेरा NCAA में सिलेक्शन हुआ था, तब का टी शर्ट है ये, है 2015 का है। ये लोग जब भी सामान बेचता है ये लोग ऐसा बेचता है। तो ये जो बैग है ये जो पूरा वाटर प्रूफ होता है और मज़ा आता है, इसको दार बुक भी सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ है ये ट्रैक, उसके बाद इसको तो हम आज पहन देगा, और ये HRX का मेरा दूसरा केप है। स्वैग। तो HRX हमको भेजा टोटल 6 चीज़, एक केप है, 2 सॉक्स है, सॉक्स का कलर अच्छा लगा हमको उसका, एक 2 टी शर्ट तो डार्क बढ़िया है, उसके बाद 2 लॉन्गपैंट भेजा है, 2 लॉन्गपैंट में से एक का डिज़ाइन बहुत अच्छा है जो 2019 का लेटेस्ट डिज़ाइन है जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। दूसरा वाला का कलर बहुत अच्छा लगा हमको, जिसको हम मेरा घर में एक मेरा टी शर्ट है उसका साथ हम पहन सकते हैं। लास्ट टाइम जो हमको पैकेज भेजा था एक्चुअली उसमें उसका जो मतलब क्या बोलेगा उसका एग्जैक्ट कलर का लॉन्गपैंट नहीं भेजा था, आई थिंक उसका जो लॉन्गपैंट था उसको इस बार भेजा, क्या बोलेगा कल कौन सा वाला पहनेगा उसका हम तो अभी कंफ्यूज हो रहा है। एक्चुअली हम बहुत दिन हो गए साइकिलिंग नहीं किया है, अभी 2 दिन मेरा गैप हो गया, बिकॉज 2 दिन हम लोग 23 मैच खेला है, 3 डे 23 मैच, तो उसका वजह से मैं 2 दिन साइकिलिंग गैप हो गया, तो कल हम साइकिलिंग करेगा, तो उसमें आई थिंक हम ये जो रनिंग जो टी शर्ट है उसको हम पहनेगा, और उसका जो लोअर जो पहले हमको भेजा था उसको पहनेगा, तो कल मज़ा आएगा मज़ा। अब मेरे लिए तो मेन चीज़ आप कितना फिट है वो मैटर करता है, मेंटली फिजिकली बॉडी, एक एक्टर वाला बॉडी सबको चाहिए होता है, बट इतना ज़रूरी नहीं है, आप कितना फिट है वो ज़्यादा मैटर करता है। शेप जो मज़ा हो कुछ भी कपड़ा पहना तो थोड़ा फिट ही लगो।
तो वो ट्राई कर रहे हैं हम, होने से तो अच्छा है, तो इसलिए हम साइकिलिंग स्टार्ट किया था एक्चुअली। तो साइकिलिंग किया है तो मेरा पोकर थोड़ा छोटा है, तो साइकिलिंग जब कर रहा था तो उसका था इफेक्ट जो मेरा पोकर में लग रहा था, पोकर पूरा पेन हो रहा था, तो उससे पता चलता है कि साइकिलिंग करने से थोड़ा पोकर और थोड़ा थाई जो थोड़ा मोटा हो गया, तो मेरा थाई भी थोड़ा पतला है, तो साइकिलिंग करके मेरा वो चीज़ थोड़ा इम्प्रूव हो गया ऐसा फील हो रहा है, तो इसलिए अभी हम साइकिलिंग को नहीं छोड़ेगा। थोड़ा मेरा गेप होता है, मेरे रूटीन के हिसाब से है, एक दिन फिटनेस है, एक दिन बैटिंग ड्रिल है, तो उस हिसाब से जब जब फिटनेस हो गया तब हम साइकिलिंग करेगा। तो अभी आपको हम दिखाएगा कि डबल ग्रिप कैसा लगा था, नॉट एग्जैक्टली डबल ग्रिप, सिंगल ग्रिप आप लगाने जान जाएगा तो आप डबल क्या, ट्रिपल क्या, चोपर क्या, हाथ पार क्या सब लगा सकते हो। तो फर्स्ट आपको सीखना पड़ेगा सिंगल ग्रिप कैसा लगा। तो ये ग्रिपर ऐसा टाइप का आता है, तो जो पतला साइड है उधर से आपको ग्रिप को घुसाना है, तो इसको आप थोड़ा घुसाओ। घुसाने के बाद हम गलती ये किया था कि हम इस साइड से रोल किया था, बट आपको रोल करना है इस साइड से, तो इसमें थोड़ा स्पेस कम है, तो आप जो थोड़ा धीरे इसको थोड़ा समझ रहा होगा ऐसे रोल करो। तो ये 150 का जो ग्रिप है वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, असली में तो स्मूथ होना चाहिए था। तो ऐसे करके आपको यहाँ से आपको रोल कर करके यहाँ तक लाना है, तो उसका बाद क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है देखा, इसको यहाँ घुसा दो ऐसे, इसमें अंदर में गड्ढा है तो ये घुस जाता है आराम से। उसके बाद क्या करना है, सिंपल है, ये ग्रिप को आपको ऐसे तैलना है या नीचे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पकड़ो तो अभी, तो सिंपल है, नहीं होगा तुम उठाना। तो 150 का ग्रिप इतना टाइट है ना, दूसरा ग्रिप जो थोड़ा इजी होता बस, तो उसके बाद ये ग्रिप यहाँ घुस जाएगा, इसके बाद इसको बस नीचे रोल कर दो, पूरा लास्ट तक रोल करो, रोल करके इसको नीचे लाओ, नीचे लाने के बाद क्या करो उसका फिर ऊपर वापस रोल करो, तो समझ गया अब इतना सिंपल है। तो ये भी मेरा ब्लॉक ख़त्म करता है, तो अभी हम थोड़ा ड्रिल करेगा, अच्छी नगर भी आएगा बोला है, अभी तक तो आया नहीं है, ट्रैफिक बोर्ड है आजकल कि कैस क्रिकेट नेवर स्लीप, एंड मेरा आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे क्या हुआ कि आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि मैं वीडियो अपलोड कर दिया, तो उसमें आप क्लिक करके मेरा आने वाला वीडियो को देख सकते हो, और मेरा आने वाला वीडियो आई थिंक मेरा जो हम जब हम जोरहाट में था उसका वाला वीडियो होगा, तो वो वीडियो जो अभी मेरा एडिट चल रहा है, तो ये वीडियो के बाद वो वाला वीडियो मेरा अपलोड होगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, कैच क्रिकेट नेवर स्लीप, कीप सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग अरुणाचल क्रिकेट। तो ये जो बैड है आपका, ये गड्ढा है, तो इसको यहाँ में ऐसे घुसाओ, तो ये घुस जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक ग्रिपर को, ग्रिप को ऊपर से नीचे तैलना है, उसके लिए आपको वो ताकत है इसी में गार पड़ता है मुझे चला दिमाग करने में नहीं वो ताकत से करेगा लो Amor, padamor